गांव में कुछ पुरानी पठाल वाली मकान है जो कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। सभी लोगों के घर में होंगी ये पठाल वाली मकाने। और ये है बे, जल जल हको बाल मैं चलो एक मिनट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आइए फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चमोली वाली में। जैसा कि फ्रेंड आप सभी लोग मेरे चारों ओर का व्यू देख सकते हैं, आज कोहरा ही कोहरा लगा है और हल्की सी धूप भी हो रही। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आज दाल निकालने, भटकी दाल यानी कि सोयाबीन। देख सकते हैं आप नीचे, ये है सोयाबीन की खेती जो जिसको गढ़वाली में भट बोलते। और ये डॉगी है हमारा, ये भाभी है। भाभी हाई करो, दतलन करो, हाई कर, आंखा दिखाओ भाई, आंखा मैं दिखाऊंगी मैं करना तुम हाई ढंग से कर रहा था, हाई कर ढंग से। तो दोस्तों ये काली दाल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ गई ये, जिसको उड़द बोलते शायद, हाँ बोलते शायद, क्या उड़द की दाल है ये, देख सकते हैं आप सभी लोग। और हम इसको निकालेंगे, फिर आपको इसके अंदर के बीज बताऊंगी। ये देख सकते हैं आप सभी लोग, ये कालू आजा, ले ले आजा। ये पता नहीं किस लिए आ रखा खेत में, आजा किस लिए आ रखा तू खेत में। जो ये काली दाल है ये हमने यहाँ पे रुपाई होती, रुपाई वाली खेतों में बोई रहती किनारे पे, हमारे यहाँ पे म्यूना बोलते इसको। और ये रुपाई करते टाइम लगाते हम लोग, रुपाई के बाद भी लगाते हैं, कोई कोई रुपाई से पहले लगाते। और ये है हमारे रुपाई वाले खेत, आजकल ये खाली हो रखे, देख सकते हैं आपको खाली। इनके किनारे पे उड़द की दाल दिखाई देगी, दिखाती हूँ एक मिनट। ये देख, ये अब दो चार दिन में हम इनको निकालने के लिए आएंगे दाल को। और ये है हमारे सेरा वाले खेत, इनके किनारे म्यूना पे बोई रहती हमने दालें। और ये नहर भी आजकल से रुपाई हुई तब से इस नहर में पानी नहीं आ रखा। और नहर देखो कैसे बंजर पड़ रखी, छोटी सी नहर है ये, जहाँ से पानी आता ये इधर से जाता हमारे खेतों में पानी, यानी कि सेरों में, सेरा बोलते हमारे यहाँ पे इनको, सारी जगह सेरा ही बोलते। ये देखो ये तो हमारे साथ हमेशा आता रहता। ओए क्या कर रहा तू यहाँ पे, हैं चल निकल। अरे हेलो कर यार, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, नखरे कर नखरे, गिची दे बोलो तेतवाड़ी गिची को, गिची गिची बोतो आप, गिची बोतो यार, बोतो ना गिची वो तो आ, आ, आ। आइए दोस्तों फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक न्यू वीडियो ला रही मैं, देख सकते हैं आप सभी लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो दोस्तों धूप भी लग गई और आंखों पे धूप चमक रही, और एक साथ साथ धूप भी लगी है।
जय बद्री विशाल। आइए दोस्तों जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और मैं भी जाती हूँ वो भट्ट काटने के लिए। तब से भाभी ही काट रही, भाभी बोल रही होगी अपने आप ब्लॉग बना रही और मुझे भट्ट काटने के लिए बोल दिया। तो चलो ये है हमारे भट्ट वाले खेत, ये देखो। ये अब रिव्यू लेती हूँ मैं भाभी को, कैसा लगा आपके भट काटते हुए? मस्त, फर्स्ट क्लास। क्या घर है? ये थोड़ा सम आती है ना कैमरे के सामने, अच्छी बच्ची है। चलो दोस्तों मैं भी भट काट लेती। ये देखो भाभी भट काट रही। क्यों काट रहे आप इस वर्ड को? है दाव आते अच्छा मुंडा होते तो ये प्रोटीन। अच्छा तो दोस्तों बोल दिया इन्होंने प्रोटीन मिलती है। आप सभी लोग भट खाना आपकी सेहत के लिए लाभदायक होगा क्योंकि भाभी जी ने बता दिया। और ये देखो कांटे भी लगे हैं, कुमार कुमार लगे आ रहे हैं। मैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप हमारे सोयाबीन मतलब दालें कैसी हो रखी। ये देखो इनको खोवा बोलते हैं। ये देखते हैं इनके अंदर बीज है कि नहीं है। हाँ ये कच्चे बीज हैं, ये देख सकते हैं आप सभी लोग। और इनको सुखाएंगे हम घर में, फिर कूटेंगे हम इनको डंडे से। ये देखो इतना झुक भरी हूँ। ये देखो ये क्या था ना, बताओ वतन करी बहन तू अका खिलाना भी बाहर लाना। तो ये तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसको पूनी बोलते। ये देखो और अब हम इसका लगाएंगे बारा यानी कि सुयटा। तो दोस्तों देखो हम इतनी पुल्ली बना रहे, एक दो तीन चार पांचवा ये बन रहा, एक वो है छः। दोस्तों सोयाबीन काटना बहुत कठिन है और दराती की धार भी तेज नहीं हो रखी, इसलिए हमारी दराती तेज से नहीं लग रही। और नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी दराती ला के आऊँगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं भटका भारा, यानी कि एक एक करके हम भटकी पुली रखेंगे उसमें और फिर हम लगाएंगे भटका एक अच्छा सा भारा। फाइनली भटका भारा भी लग गया और अब चलते हैं घर की और टाइम भी काफ़ी हो गया। और मिलूंगी आप सभी लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों ये लग गई हमारी भटकी भारी। ये देख सकते हैं आप सभी लोग तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना और जो पुराने हैं उनको पता है क्या करना। और मिलती हूँ आप सभी लोगों को ऐसे ही एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फिलहाल बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड।